मतलब आप ये समझिए कि जैसे आपका मेष लगन है तो उसमें बुध और शुक्र शनि इनके एंटी कौन है, मोटा मोटी भाषा में आपको पता है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए जरा कि जैसे मंगल है तो मंगल का जो है शुक्र एंटी है क्या, उसका दोस्त है, शुक्र एंटी है मंगल का, और बुध का बुध का वो बुध का भी सम है बुध के लिए तो वो भी एंटी है। हाँ जी, यानी कि मैंने क्या लिखा था इसमें, बुध के कौन कौन दोस्त हैं, फ्रेंड कौन? बुध के दोस्त हैं, एक तो बुध का सूर्य और चंद्र, बुध बुध के का सारे, बुध के सारे दोस्त हैं, केवल हाँ दो दोस्त एंटी हैं। हैं, दो एंटी हैं उसके, चंद्र हाँ जी और मंगल। बताया था ना बुध बिल्कुल बीच सेंटर में था, उसके केवल हाँ जी हाँ जी दो एंटी थे उसके, है ना। हाँ जी वो आपको मोटा मोटी भाषा पता है आपको, ठीक है। हाँ मेन थ्योरी मतलब एक जड़ जिसे कहते हैं वो ये है, लेकिन कुंडलियों के अकॉर्डिंग वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता है, ओके उसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले कारक ग्रह दे रखा है ये आपका, कारक ग्रह क्या है कि ये जहाँ भी बैठे, ठीक है, इसमें आप पता है कि मेष लगन की कुंडली में आपको ये पता है कि मंगल इसका दोस्त होता है, मंगल तो खुद इसका स्वामी है ही है, चंद्र भी इसका दोस्त है, सूर्य भी इसका दोस्त है, गुरु भी इसका दोस्त है, आपको पता है जी लगन में, है ना। लेकिन हाँ जी शुक्र बुध शनि ये तीनों एंटी हैं, राहु केतु को हमने इंक्लूड नहीं किया, वो तो एंटी है ही है। शुक्र बुध और शनि एंटी हैं, लेकिन जो कारक ग्रह जो अभी बता रही हूँ मैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग शनि जो है सम कैटेगरी में आ जाता है इसमें, ठीक है। ओके हाँ मतलब जी फायदा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा तो फायदा भी नहीं देगा ना, लॉस हाँ जी प्रॉफिट, वो वाली कैटेगरी में आता है शनि, ठीक आता है वो भी मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें ये वाले जो है ये आपके कारक ग्रह हैं, ये जहाँ कहीं भी बैठेंगे आपके उस ग्रह उस जगह को क्या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है, ये पता ही है आपको। अब यदि नीचा हो गया, मान लो ये मंगल है, मंगल हमें पता है कि इस मेष लगन की कुंडली में मंगल हमारा कारक ग्रह है, लेकिन अगर ये 4 नंबर में आ गया, ये 4 नंबर ये है, यहाँ पे यदि मंगल आ गया तो नीचा हो गया फिर ये, तो फिर ये नुकसान देगा, कारक हाँ होने में भी जी नुकसान देगा फिर ये, ठीक है ना। पहली बात तो ये दिमाग में सेट कर लो, मारक ग्रह वो हैं जो जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, ये आपके इसमें मारक ग्रह हैं, ये जहाँ पे तो पॉजिटिव ग्रह है बहुत, और हाँ जी 7 नंबर में ये आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो फिर ये सूर्य में नुकसान देगा, ठीक है ना। ठीक और इसके अलावा 6, 8, 12 में हो जाएंगे तो भी नुकसान देंगे, 6, 8, 12 में कोई भी कारक ग्रह होगा तो हमें इसकी पूजा करनी है, इसका जेमस्टोन नहीं पहनना, मैंने बताया था आपको पहले, है ना। मारक ग्रह है, ये जो मारक ग्रह है इन सब का हमें दान करना होता है, ठीक है। ठीक इसके बाद आता है आपका 1, 4, 7, 10, ये कुंडली के सेंटर होते हैं, बीच में जो आ रहे हैं 1, 4, 7 और 10, ये चारों भाव के हैं, बीच के सेंटर हैं इसके, इस कुंडली के, जी कुंडली के सेंटर पॉइंट होता है ये, बीच में होते हैं, ठीक है। और हाँ जी 1, 5, 9 ये त्रिकोण है, 1, 5 और 9 ये एक त्रिकोण ठीक ट्रायंगल बनता है, और छः हाँ जी आठ 12 ये आपके त्रिक स्थान है, मतलब एंटी स्थान है, ठीक है। ये बता रही हूँ मैं आपको, उसका कारण ये है कि जैसे अभी मेष लगन की कुंडली है तो इसमें 1 और 5 और 9 ये जो है आपके त्रिकोण, ये इसके फेवर में रहेंगे हमेशा, जैसे आप खुद देख भी, ठीक एक तो इसका खुद का मंगल स्वामी हो गया, 5 सिंह जो कि सूर्य है इसका स्वामी, सूर्य भी जिसका दोस्त है, और 9 गुरु ये भी इसका दोस्त, आपके शुक्र के हैं, जी और 10 और 11 आपके शनि की है। हाँ जी इस कंडीशन में आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया इन जो सेंटर पॉइंट में है ये भी हमारे फेवर में आते हैं, लेकिन से फेवर में आते हैं, एंटी होते भी फेवर में आ जाते हैं, तो वो कौन से हैं,
हाँ ठीक जी है, इस कारण से ये हमारा शनि जो है सम कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, सम कैटेगरी जी में आ जाता है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि शनि को हम सम में रख सकते हैं, और बाकी ये जो है ये हमारा एंड कहलाएगा शुक्र। ठीक ठीक है, अब ऐसा कंडीशन आती है कि जब कुंडली की आप आगे बात करोगे, इसमें आप सोचोगे कि शनि किस कैटेगरी में है, तो शनि लाभ के संग अटैच होने के कारण इसे हम सम कैटेगरी में रखेंगे, कि मतलब ये तो दोस्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक ठीक है, अब ये आगे जैसे ये आपकी है वृष लगन की कुंडली, जी ये वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन में आप देखिए कि इसमें आपका देख रहे हैं कि ये कारक है और ये मारक है। जी अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें हम 12वें घर में और 12वें घर में, यदि इन जगहों पे ये प्लेस होगा मिथुन लगन हाँ में, मतलब गुरु होगा, जैसे इस समय तो गुरु ये एक नंबर में है। ठीक है, जी तो एक नंबर में होने के कारण क्या है, ये हमें फायदा देगा। ओके 5, 6, 8, 12 इन घरों में होता तो फिर ये नेगेटिव हो जाता, मारक ग्रह में आ जाता फिर ये। ओके इसके अलावा किसी भी घर में है तो ये फिर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 6, 8, 12 में तो नेगेटिव होता ही है, हाँ जी 5 और हैं। ठीक है, 3, 5 में अगर गुरु बैठ जाता है केंद्र अधिपति दोष के कारण, तो फिर वो नुकसान देगा, अदरवाइज मिथुन लगन में वो हमें फायदा देगा। मैम मेरा 10वें घर में गुरु है, आपकी कौन सी है कुंडली मेरे 10वें घर में कुंडली? सात कुंडली घर का मिथुन शुक्र, लगन है, मेरा केतु का लगन है, लगन केतु का लगन। केतु का लगन केतु है मेरा लगन 10वीं राशि के साथ। मकर राशि है, मकर लगन है ना आपका, तो है ओके अच्छा राशि देखने मकर मकर ना, मकर लगन तो भी नीचे जाएगा। अब ये कर्क लगन है, कर्क लगन में आपने देखा कारक और मारक,